जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से जूझ रहे गरीब मजदूर पलायन के साथ रोजगार के लिए ललायित है, वहीं शासन की तरफ से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के शासन के कार्यों को हरी झंडी देकर अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार देने की मुहिम चलाई जा रही है। परंतु इसी दौरान शाहनगर रेंज की रेंजर श्रीमती जानकी यादव, जो हमेशा अपने विवादों से चर्चित रहती है, आज उनके द्वारा शाहनगर रेंज की रमगड़ा बीट में कक्ष क्रमांक 1332 में कैन नदी में डूब क्षेत्र मद में अंतर्गत आए बजट के लिए छोटे तालाब और शोक पट निर्माण का कार्य मजदूरों से कराया जाना था, परंतु पैसे की लालच में भ्रष्टाचार की लालसा के चलते शाहनगर रेंजर ने वन मंडल अधिकारी दक्षिण पन्ना और उप वन मंडल अधिकारी कलदा के साथ मिलकर JCB और ट्रैक्टर की सहायता से तालाब और शोक पीट खुदाई का कार्य कराया गया। जैसे ही मीडिया को इसकी भनक लगी, तुरंत वहां से वाहनों को भगा दिया गया। एक और जहां शासन चाहता है कि गरीब को पूरे 100 दिन मजदूरी मिले, परंतु वन विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी मजदूरों के पेट पर डाका डालते हुए अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार का कृत्य करने के लिए आमदा है। शाहनगर से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। काम हो रहा है, JCB भी चल रही है, मजदूरों की बजाय JCB और मशीनों को प्राथमिकता दी जा रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? यहाँ कैसे काम चल रहा है, किसके मार्गदर्शन में चल रहा है, कौन बीट प्रभारी है यहाँ पे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।